तो दोस्तों द वैक्सीन वार करके एक मूवी का ट्रेलर सामने आया है, जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी होने वाली है। मूवी का जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी, जो जाने जाते हैं द कश्मीर फाइल जैसी मूवी के लिए। द कश्मीर फाइल्स मूवी भाई लोग, जो कि बहुत कम बजट में बिना किसी ज्यादा प्रमोशन के थिएटर्स में लगाई गई थी, पर जो ऑडियंस ने उसको जो रिस्पॉन्स दिया था वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, और मूवी अपने कंटेंट के दम पर बहुत ज़्यादा चली थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जैसे कि हम सबको पता है। सेम डायरेक्टर एक और रियल लाइफ बेस पर मूवी लेकर आ रहे हैं, और ये जिस इंसिडेंट पर मूवी है वो सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं, पूरी दुनिया उस टाइम से मतलब गुजरी है। हम सब ने वो टाइम देखा है, हम सब ने उस टाइम पर स्ट्रगल किया है। तो हाँ जी दोस्तों, तो कोरोना वायरस के ऊपर मूवी बनाई गई है। वो टाइम मतलब मुझे यार आज भी याद है, 2019 से 2020 का टाइम था, जब पूरी दुनिया में कोरोना का इतना ज़्यादा प्रभाव था, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स में देखते थे कि कितने केसेस आ रहे हैं। उस टाइम सोचते होते थे कि क्या फ्यूचर है सामने, मतलब क्या इसका कोई सोल्यूशन सामने आएगा, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा एक होता था कि वैक्सीन अभी इसकी कोई है नहीं है, बनानी है, बनी है, नहीं बनी है। तो उस टाइम पर कुछ हमें इतना आइडिया नहीं था, आम जनता जैसे बोलते हैं, तो हमें नहीं इतना पता था, और हम उस टाइम पर डरते होते थे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो गया था वहाँ से, उस टाइम से ऑनलाइन का दौर भी शुरू हुआ था। तो ये मूवी उसके बेसिस पर बनाई जाएगी, उस टाइम पर जब वैक्सीन की तैयारी की गई थी, जो हमारे साइंटिस्ट ने जब वैक्सीन की तैयारी की थी तो उनको किन किन प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, ये सारा हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। ट्रेलर में मेरे को जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे को इमोशंस भी फील हो रहे हैं कि हाँ ना, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको किन किन दौर से गुजरना पड़ा, इन सब चीज़ों को ये मूवी एड्रेस करती है। नाना पाटेकर जी हमारे इतने टाइम बाद किसी मूवी में नज़र आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनको बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए। बाकी जो ट्रेलर में और भी बहुत अच्छे एक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि मूवी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये जो मूवी है तो वैक्सीन वार करके लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट करेंगे अपने आप से, क्योंकि यार तो हम थिएटर में ये मूवी देखेंगे तो हमें उस टाइम पे ये लगा कि हाँ, इस टाइम पे हम लोग भी थे, हम आम जनता है, उस टाइम पे हम लोग फील करते थे वो सारी चीज़ें, तो हमें एक पर्सनल एक कनेक्ट फील होगा इस मूवी से, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मूवी जो है 28 सितंबर को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। तो दोस्तों, इस फिल्म की जो मार्केटिंग जो की जा रही है उसको बोला जा रहा है इंडिया की फर्स्ट बायोसाइंस फिल्म, इसको बोला जा रहा है कि मतलब पहले ऐसी बायोसाइंस फिल्म कोई इंडिया में आई नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। तो हमारे विवेक अग्निहोत्री जी से तो उम्मीद है ऑलरेडी है ही है, जैसे कि हमने पिछली इनकी मूवीज़ देखी हैं, द कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई, तो ये थोड़ा कंटेंट इनका थोड़ा लगता है कि लोग पर्सनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं इनके कंटेंट से। तो मेरे को यही उम्मीद रहेगी कि मूवी चले, और मेरा मानना ये है कि अगर इन्होंने स्टोरी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्टोरी तो हम सबको पता है हमारे साथ बीती हुई है, तो अगर इनको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना आ गया तो ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है, और ये मूवी अच्छी काम कर सकती है थिएटर्स में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके अपने अपने व्यूज़ बताना कि आप लोग ये मूवी देखने जाने वाले हो या नहीं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं ज़रूर मूवी ये देखने जाऊँगा, और मैं आपको अपने व्यूज शेयर करूंगा मूवी देखने के बाद कि मूवी मुझे ये मूवी कैसी लगी है। मूवी को देखने जाना चाहिए या नहीं, ये तो सबका अपनी अपनी चॉइस होती है ना, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा है। तब तक के लिए नमस्कार।